अल्लाह, ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ है? हो सके तो हॉस्पिटल आ जाइएगा, हम उसे लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये क्या ड्रामा है आपका? आपने तो मुझे कहा था कि सुबीन यहीं पर है, कहाँ है? तुम इधर आओ, मैं बताती हूँ। मत कर! खुद को संभाले, हम फिदा को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इसकी तबीयत बहुत खराब है। वाह भाई वाह! There's a party going on over here. Wow. I'm so sorry. मैं आप सबको परेशान कर दिया। फिदा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी भी खतरे में है वो। क्या हुआ? चोट लग गई? वो मर जाएगी? तुम ड्रामा करके जो यहाँ पर आई हो, अपना मायूं छोड़कर यहाँ पर आई हो, कल हमारा निकाह है और तुम यहाँ पे आके कुल छड़वा रही हो। कौन है? कौन है? तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। हाँ छोड़े मेरा, अभी इसकी बारी है। बताओ क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ छोड़े मेरा। हाथ तो मैं अपना कब का छोड़ चुका हूं, अभी घर जाके बताऊंगा कि तुम्हें कैसे छोड़ा। जो कुछ समझ रहे हैं उसे फिर गलत है, लेकिन जो कुछ कह रहे हैं उसके बाद मैं आपको सफाई देना भी जरूरी नहीं समझती। वाह वाह, मेरे लिए तो पारसा बनने का नाटक करती रही, और अब जब सारी बात खुलकर सामने आ गई है तो बगैरती भी बाहर आ गई। नाइस। देखिए क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा मैंने तुमसे कहा ना, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी और मेरी होने वाली बीवी के दरमियान है, तुम बीच में मत पड़ो। आज हमारा मायूं था, कल हमारा निकाह है, ये मेरी मंगेतर है, स्टे आउट ऑफ इट। देख नहीं रहे हो, मायूं से सीधा यहां पे आई है शायद तुम्हें दिखाने के लिए कि कैसी लग रही है। ये जो फेयरवेल का सिलसिला है ये मायों के साथ जोड़ लिया है, या फिर शादी के बाद भी सिलसिला जारी रखने का इरादा? ऐसा कुछ भी नहीं है। साइड बैठो, डोंट टच मी अगेन, तभी मैं से बात कर रहा हूं। हां जी, हो गया यहां पे सब कुछ, अब चले। और हाँ, कहाँ है तुम्हारे चचा जो कि मुझे हमेशा आला किरदार की शख्सियत की नसीहत करते आए हैं? खुद अपनी भतीजी की डेट विथ हर लवर सेट कर दी। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत बाहर आ गई, अब मैं तुम्हें घर जाके बताता हूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो ये रहा इसका चचा, अब तुम क्या बताओगे इसे? इसलिए तो तुम्हारी सामने आ गई है, तुम पहले भी घटिया थे, घटिया हो और घटिया रहोगे। दफा हो जाओ यहां से। देखिए मुझे, आज हमारा मायूं, घर में बहुत सारे लोग जमा हैं, इसे मेरे साथ जाने दीजिए वरना मैं। वरना क्या? क्या करो, क्या करोगे बताओ? मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, क्या करोगे? बहुत खुशफहमी है तुम्हें कि मैं अब भी सबीन का रिश्ता तुमसे तय कर, मैं अभी इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करता हूं। अब से तुम्हारा सबीन से और हमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, वो
वो क्या तुम्हारा? अब इससे पहले कि मैं कमिश्नर को फोन करूं, दफा हो यहां से। जाओ! टाइम गुजर गया, तमाशा लगा दिया, ये कोई बातें करने वाले? अरे आप लोग तो गाना बजाएं, बजाएं। घर चले? नहीं बेटा, तुम यहां मेरी मर्जी से मेरे साथ आई हो। एक मासूम बच्चे के लिए किसी की नीच बातों की वजह से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। घर पे अब जो होगा मैं देख लूंगा। बेटा भाईजान का साया तुम्हारे सर पे नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। भाईजान ने हमें एक ही बात सिखलाई थी कि इज्जत से बढ़ के कोई और चीज नहीं होती। शायद ये सब कुछ मेरी आंखें खोलने के लिए हुआ, वरना मैं तो तुम्हारा हाथ उस कमजर्फ के हवाले करने लगा था। माफ करना इर्तजा। नहीं नहीं प्लीज ऐसे ना कहें। फिदा खतरे से बाहर है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप आके उन्हें देख सकती हैं। कामी, सबीन कहाँ है? नाम मत ले उस आवारा लड़की का। कामी? आप ही आवाज नीचे रखें। जिन लोगों की बेटियां ऐसी होती हैं, उन पे ये तेवर नहीं जचते। जबान संभाल के बात करें कामरान भाई। हुआ क्या है तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? क्या सुनना चाहती हैं? इस खानदान की आप सबकी नेक शरीफ सबीन हॉस्पिटल में किसी और लड़के को गले लगाकर बैठी हुई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मरहूम भाई साहब की बेटी ऐसी होगी। क्या कह रहे हो? और मंसूर भाई, उनको तो इन सब ने अंधा किया हुआ है। बस! इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तो भाई अपना गुस्सा काबू में रखो, जब तुम्हारी बहन घर पे आएगी ना उस पे निकाल देना। आई एम डन विद योर फैमिली। कामी, ये
मुझे आपको एक लिस्ट दी हुई ना, वो प्लीज अरेंज करवा देंगे। थैंक यू। कैसी है बच्ची? भीतर है, बेहोश है, पर खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र। थैंक गॉड। चलो बेटा घर चलते हैं। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मंसूर अंकल, आप ठीक तो हैं? पता नहीं क्या हुआ, चक्कर सा आ गया, शायद बीपी हाई हो गया। चाचा जान। कोई बात नहीं बेटा, घर चलते हैं। अंकल प्लीज, आपको चेकअप कराना चाहिए। ठीक है। नहीं नहीं अंकल, प्लीज प्लीज, हम हॉस्टल में हैं, आप इस बेटा आप चेकअप करवा रहे हैं, इधर यहीं पे प्लीज। अभी तक ऑफ है माँ, मामू का फोन रात से ऑफ जा रहा है। हाँ, उसने जो करना था वो तो कर गया, भुगतना तो अब मुझे पड़ेगा ना। आ रहे हैं तुम्हारे बाबा अपनी लाडली के साथ। माँ इसमें आपकी क्या गलती है? जो कुछ मैं मामू ने बताया अगर वो सच है तो फिर गलती सबीन की है ना। हाँ बेटा, गलती जिसकी भी हो, लेकिन अगर आज उसकी माँ को कुछ हो गया ना तो सारा इल्जाम मेरे भाई पे आ जाएगा, समझ रही हो ना। वो कुछ भी कहना गया, लेकिन भाई ये लोग तुम्हारे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं रहे। सुनो, तौबा तौबा, मुझे तो इसी दिन से पता था कि हो ना हो सभी ने कोई। अच्छा बस कर, सुना चुकी हो तुम बार बार। मुझे संगीत। हाँ जरूर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। डॉक्टर्स ने फिलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, बट ही बी फाइन, परेशान मत हो। देखिए ना, इतना सब कुछ हो गया, सबीन हमें कॉल ही कर देती हम लोग भी वहां आ जाते, बेचारी अकेले कैसे हैंडल कर रही होगी। It's okay, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जल्दी से दे उस बच्ची को। वैसे आपके भाई ने सबीन पे इल्जाम लगा के ना तो सिर्फ सबीन के साथ गलत किया बल्कि मेरे भी किरदार पर दाग लगाने की कोशिश की। I'm sorry, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा मैं मानती हूँ कि उसने बहुत गलत किया, वो है ही ऐसा, माँ नहीं थी ना, बिन माँ का बच्चा, जंगली है, समझ नहीं आती उसे कि किस मौके पे किस तरह रिएक्ट करना है। उसने जब भी किया मुझे शर्मिंदा ही किया। बेटा
उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसकी ये गलती माफ कर दो। इट्स ओके, लेकिन गलती आप सबकी भी है। सबीन जैसी इतनी आइडियल लड़की की आप ऐसे इंसान से शादी कराने जा रहे थे, कमरान तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो बहुत अच्छा हुआ हमें हकीकत का पहले पता चल गया। हाँ बेटा, अब हम वहां सबीन की शादी नहीं होने देंगे। देखा माँ, मैं भी आपसे बिल्कुल यही कहती थी जैसा इर्तजा ने कहा कि मामू डिजर्व ही नहीं करते सबीन को। मैं माँ को हर बार समझाती थी, बस अब हम सबीन की शादी मामू से नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब इस गलती का मुदावा भी तो करना है। बहुत ख्याल रखना है सबीन का। ठीक है आंटी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे, खाना खा के जाओ प्लीज। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, इट्स ओके, मैं चलता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप चले जाओगे, आप पहली बार आए हो हमारे घर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल अय्या जान इंतजार कर रही है। वैसे इर्तजा, अय्या जान बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से उनको सलाम दीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़। मैं अभी इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करता हूं। अब से तुम्हारा सबीन से और हमसे कोई वास्ता नहीं है, भागो। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, वो भी ऐसे खुली आंखों में धूल छोड़कर। यह हमारा खेल है सबीर अहमद, कि तुम कैसे जीत सकती हो है? जब जब मैं सोचता हूं कि तुम पर लानत भेज दूं, तुम मुझे एक और मौका दे देती हो तुम्हारा गुरूर खाक में मिलाने। क्या बताया बाबा ने, इर्तज़ा और सबीन साथ में थे। ये कामरान भी हमारे लिए सवाई शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़िल्लत। माँ, मुझे अभी सिर्फ इतना बताएं कि इर्तज़ा और सबीन साथ थे। आर होम, सबीन जहाँ जाती है ना बच्चों के पास, वो इर्तज़ा का चैरिटी प्रोजेक्ट है, ट्रस्टी है वो वहाँ का, इसलिए वो अस्पताल आया था। लेकिन कामरान ने उन्हें इकट्ठा दे के बिना कुछ सुने समझे बतंगड़ बना दिया। सीरियसली? सिर्फ यही नहीं, सबीन को मारा पीटा भी, और पता नहीं क्या क्या बदतमीजी की है इर्तज़ा और मंसूर के साथ। उफ, कामी मामू विनाश, हम लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, कि कैसी फैमिली है, कैसे लोग हैं, क्या इमेज पड़ा होगा हमारा। यही सोच सोच के मुझे एंग्जाइटी हो रही है। अब इर्तज़ा जाके अपनी अय्या जान को बताएगा। हाँ, कहीं वो लोग रिश्ते से इनकार तो नहीं कर देंगे। सर, मिस्टर कामरान जमाल इज़ हियर। कौन? कामरान जमाल, रेफरेंस ऑफ मिस्टर मंसूर अहमद। तुम हमारे लिए मर चुके हो कामरान, तुम्हारी हर गलती को
छोटा भाई समझकर माफ किया। वो बोलती हूँ आस्तीन के सांप निकले जिसको दूध भी पिलाओ तो बदमाश है। माँ मैं बता रही हूँ आपको, अगर मेरी इर्तिज़ा से बात खराब हुई ना तो मैं सारी जिंदगी कानून नामों की शक्ल नहीं देखूंगी। फिक्र ना करो, कल जो वो बदतमीजी करके गया मंसूर उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करेंगे। समझ लो ना वो उसकी शक्ल के रवादार होंगे और ना हमें मिलने देंगे। अहमक लड़का अपने साथ साथ हमारा भी बना बनाया खेल बिगाड़ के भाड़ में जाए सब, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कामी मामू को माफी तो मांगनी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं, मंसूर उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं बाबा से नहीं इर्तिजा से माफी मांगने का कह रही हूँ। मायरा वो तो कामी मर के नहीं करेगा। क्या मुझ पे छोड़ दे। कहा हूं और तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया, मर जाने दिया होता। अल्लाह ना करे बड़ी अम्मी, क्या हो गया आपको, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? इतनी जिल्लत के बाद मैं जी के क्या करूंगी। अम्मी जिल्लत आपकी नहीं उन लोगों की हुई है। जब आपको पता है कि वो अपनी फितरत अपनी जहनियत दिखा के गए हैं तो किस बात की परेशानी। सब खानदान वालों के सामने मेरी बच्ची को उन्होंने कितना जलील किया, मैं उन्हें क्या सफाई पेश करूंगी, क्या कहूंगी मैं उन्हें। मम्मी मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये जानती हूँ कि मेरा अल्लाह, मेरा दिल और मेरे घर वाले मुझसे मुतमईन हैं। वो जानते हैं कि ये सब कुछ झूठ था। अल्लाह का लाख शुक्र है सबीन भाजी, ये सब कुछ आपके निकाह से पहले हो गया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का। सना बिल्कुल ठीक कह रही है, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। वो मुझे डिजर्व ही नहीं करती है। सही कह रहे हैं, जो कुछ उसने किया, जिस तरह से आपको इंसल्ट किया उसके बाद तो वो बिल्कुल आपको डिजर्व नहीं करती मामू। लेकिन तुम्हारे पापा को यही नजर नहीं आया, देखा ना। बाबा को तो रहने ही दीजिए मामू, उनको अपनी भाई की फैमिली की कोई भी गलती नजर नहीं आती। खैर क्या सोचा आपने आगे, क्या करना है इनके साथ? अब क्या हो सकता है, लानत तो भेज कर आया हूं। देखता हूँ खानदान में कौन करता है सवारा लड़की से शादी। बस मामू आप तो बहुत दावे करते थे कि आप उसको सही से सबक सिखाएंगे, अब इतनी बेइज्जती के बाद आप उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? दिल तो मेरा चाहता है कि उसका वो अशर करूं कि वो और उसके घर वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे, लेकिन अब क्या हो सकता है। होना भी यही चाहिए और बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बाजी तो अभी भी पलट सकती है। कैसे? थोड़ी सी अकल चलानी पड़ेगी उसके लिए मामू, और एक बात याद रखिएगा, उस सबीन का घमंड सिर्फ और सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं। लगता है मेरी माही कुछ प्लान करके आई है। बताओ क्या करना है? उसके लिए यू हैव टू प्रॉमिस मी मामू कि जैसा मैं कहूंगी आप बिल्कुल वैसा करेंगे। पहले बताओ। पहले प्रॉमिस। ओके फाइन आई प्रॉमिस, लेकिन प्लान कुछ ऐसा करना है कि मेरे दिल में ठंड पड़ जाए।
कल से आग लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। सैड यार, इतनी अच्छी लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? काश इसके अलावा कुछ कर सकता मैं। निहायत जाहिल किस्म का इंसान था वो, बदतमीज, बददिमाग। शुक्र है कि तुम वहां पर मौजूद थे। यार मैं तो अफसोस हो रहा है कि अगर मैं वहां पे ना होता तो शायद वो सब ना होता उसके साथ जो हुआ। इस सब में भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, वरना तुम खुद सोचो आज सबीन से उस शख्स का निकाह हो गया होता। सुनो, इस बात का भैया जान को, आगा जान को बिल्कुल भी इल्म नहीं होना चाहिए। ओके। यस सर, मिस्टर कामरान जमाल इज हियर। कौन? कामरान जमाल, रेफरेंस ऑफ मिस्टर मंसूर अहमद। सेंड हिम इन। ओके सर। कौन? सबीन का फियांसे। व्हाट? तुम पागल तो नहीं होगे? वो यहां क्या कर रहे? जरूरत कैसे हुई उसकी यहां आने दो। बस नाइला, सब खुशी खुशी तैयारी कर रहे थे लेकिन सब कैंसिल हो गया। लेकिन तुम तो सबीन की बहुत तारीफें कर रही थी, वो तो अच्छी है ना? सबीन बाजी, उनकी अम्मी, उनके भाई सब बहुत अच्छे हैं नाइला, लेकिन बस उन्हें लोग अच्छे नहीं मिले। हाय बेचारे, लेकिन अचानक से ये रिश्ता क्यों टूट गया? मुझे तो खुद इतना अफसोस हुआ। सबीन बाजी की अम्मी की तबीयत खराब हो गई और फिर हमारे साहब की भी तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो तो तुम्हारे आगा साहब के साथ घर आए हैं। इर्तजा आगा? हाँ, बड़े अच्छे लगे, लेकिन देखो जरा इन पर सबीन बाजी के साथ झूठा इल्जाम लगा के रिश्ता खत्म करवा दिया। लेकिन मैं जानती हूँ सबीन बाजी बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो मुझे पूरी बात बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? आप यकीन कीजिए, मैं आपसे, अपनी फैमिली से, सबीन से इतना शर्मिंदा हूं कि कई बार ख्याल आया कि खुद को खत्म कर लूं। मुझसे जो भी सरजद हुआ है वो किसी माफी के लायक ही कहा है कि मैं आपसे और सबीन से माफ करने की उम्मीद भी रखूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपने जो किया वाकई वो माफी के काबिल नहीं था, लेकिन आपको माफी सबीन और उसकी फैमिली से मांगनी चाहिए थी। यहाँ पे आके तो आपने हमारा वक्त ही जाया किया। देखिए आगा साहब, मैं पूरे खलूस से कल की बदमजगी पर माजरत करते हैं। जो सबीन के साथ हुआ वो मुझे तमाम उम्र के लिए बेचैन रखने के लिए काफी है। कम से कम आप तो मुझे ना मुराद ना लौटे। देखिए कामरान साहब, आप मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। हमारी कल भी अचानक मुलाकात हुई थी और शायद आगे भी कभी मुलाकात ना हो, लेकिन अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही बहुत है। तो आपने मुझे माफ कर दिया? जी। थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं, इट्स ओके। ओब्लाइज्ड, रियली ओब्लाइज्ड, थैंक यू। देखिए मैंने आपको सिर्फ इसलिए माफ किया क्योंकि आपको सिर्फ अपनी गलती का एहसास हुआ है कि आपने सबीन के साथ ज्यादती की थी, लेकिन फिर भी आपको इस गलती का अजाला खुद ही करना है। मैं जानता हूँ सबीन के दिल पर क्या गुजर रहा है,
मैं उसके काबिल ही नहीं। ये क्या आदमी है? इसके बारे में जरा पता करा, उसकी वाइब मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। कल ये कुछ और था और आज बिल्कुल ही कुछ और। मैं ठीक हूं नाजिया, मुझे ठीक को कुछ नहीं होता। भाभी प्लीज। ठीक तो मैं हूं भाभी जान। कल मेरे भाई की वजह से हमें पूरे खानदान का सामना देखना पड़ा। अब मैं आपसे किस मुंह से कहूं कि हमें माफ करते। सारी गलती मेरी है जो कामरान के अतवार जानते हुए भी इस रिश्ते से मना नहीं किया। मेरी बच्ची का नसीब। बस अब तो इन दोनों की शादी की तैयारी करो। शाम में फंक्शन है और सब लोग आ चुके हैं। अम्मी आज के दोनों इवेंट्स हमने कैंसिल कर दिए हैं। मुझे और चाचा जान को यही मुनासिब लगा था। भाई तो पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी बहनों के लिए। हर एक मेरा भाई है। बेगम साहिबा, वो कामरान साहब आए। इसकी मजाल कैसी है कि वो यहां आ गया? देखता हूं। तुम हमारे लिए मर चुके हो कामरान। तुम्हारी हर गलती को छोटा भाई समझकर माफ किया और इसलिए भी माफ किया कि तुम्हारा इस दुनिया में हमारे सिवा कोई है ही नहीं। तो भूल थी वो आस्तीन के सांप निकले जिसको दूध भी पिलाओ तो मत बचता है। निकल जाओ यहां से, जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाजिया, अपने इस भाई को कहो कि यहां से फौरन चला जाए वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। जाओ कामरान यहां से, कामरान जाओ यहां से, कामरान जाओ यहां से। अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। समझो तुम्हारी कोई बहन थी नहीं, मर गई तुम्हारी भाजी तुम्हारे लिए। मैं आपके ये कहने से पहले ही मर चुका हूं। बाजी मंसूर भाई, वो लोग बाकायदा घटिया निकले। यही लग रहा है इन बातों से। इतना कुछ हो गया लेकिन देख रही हो इर्तजा ने मुंह से भाप तक ना निकाली। अस्मा ने बताया है कि छोटे आका जब उनके घर गए तो सारा खानदान उनके आगे पीछे था। ऐसे खानदानों का ये खासा होता है, मरे जा रहे हैं इर्तजा के लिए। और क्या पता चला? फिलहाल तो बस इतना ही पता कर सकी, ज्यादा बात नहीं हो सकी। हाँ, अस्मा सबीन के मंगेतर ही काफी बुराई कर रही थी। वो कह रही थी वो लड़का सबीन जैसी लड़की के लायक नहीं है। हमारी बला से चाहे अपनी लड़की को भाड़ में झोंके, हमें तो ये परेशानी है इर्तजा अपनी बेइज्जती सह क्यों कर गए। तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते और होना भी ऐसा ही चाहिए। शायद इसलिए कि आप इनके रिश्ते से खुश हैं और छोटे आगा नहीं चाहते कि आपको अफसोस हो। अरे उनकी लड़की में ऐसे भी कोई हीरे मोती नहीं चढ़े कि हम इतनी बेइज्जती सह जाए। मतलब गजब खुदा का, बात हाथापाई पर उतर आई और हम उनकी लड़की ब्याह लाए। अतिया, वो क्या नाम है उस औरत का? हाँ सैम, उसे बुलाओ।
हम आज ही रिश्ते से इनकार करेंगे। अतिया? जी जी जी। सुना नहीं हमने क्या कहा? सैम को कॉल करें। शाबानो, आप चाहे इनकार कर दीजिए, लेकिन जब आपको सारे मामले की खबर ही नहीं है तो आप इनकार का क्या जवाब देंगी? उन लोगों की जुरत है कि वो हमसे जवाब पूछें? अब ऐसी क़यामत भी नहीं आई। उन्हें नहीं, छोटे आहा को। वो तो जरूर पूछेंगे, आपको ये सारी बात कैसे पता चली? देख रही होती है, ये लड़की ना सिर्फ अकलमंद है बल्कि बात की नजाकत को भी समझती है। और एक तुम हो, इतना अरसा यहां रहकर भी तुमने कुछ नहीं सीखा। आगा साहब की अम्मी तुम्हें तरस खाकर ले आई थी, हमसे कहा कि बेसहारा समझ कर रख लो, तो हमने रख लिया। आपका एहसान है शाबानो। हमारा खानदान गरीबों पर ऐसे ही एहसान करता है, लेकिन उनको भी चाहिए ना कि अपनी जगह और अपनी जिम्मेदारी को समझ कर रहे। भाभी जी खतावार में, इसलिए कुफारा भी मुझे ही अदा करने दीजिए। मैंने सबके सामने सबीन के लिए वो सब कहा, तब मैं सबके सामने सबीन से माफी मांगूंगा और इज्जत से उसे अपनाऊंगा। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, लेकिन ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी शादी सबीन से होने दूंगा। तैयार है आपके पास, मैं सहार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नीयत सिर्फ यही थी कि लोगों को ये बोलने का मौका ना मिले कि बड़ी बहन के दबाव में आके माफी तो मांग ली लेकिन फिर भी उसे अपनाया नहीं। तो ये क्या है कि तू देखे मैं जबान खींच लूंगा। जाओ, हो गई माफी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस माफी से। Get lost! दफा हो जाओ। का तुम्हारे दिल से कह।